मैं बिल्कुल सख्त नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सख्त नहीं हूँ, मैं ठग ही हूँ, क्योंकि मेरे सख्त होने से लड़कियों का घंटा ही फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा क्या सीन होता है, तुम हाथ हिलाते हो तुम्हें लड़कियां मिल जाती है, मेरे केस में ऐसा है मुझे लड़कियां नहीं मिलती तो हाथ हिलाना पड़ता है। मुझे मेरी औकात पता है, मुझे पता है मेरी औकात ही नेशनल हैंडलूम वाली है, तो जारा से शॉपिंग करके मैं घंटा ही कुछ नहीं उखाड़ सकता। सर लड़कियों का भी होता है क्या, आजकल हर कोई सख्त हो रहा है तो लड़कियों को ही तो चाहिए चूतिया बनाने वाला, तो फिर उन्हें हम जैसे मिलते हैं जिनका ऑलरेडी कटा हुआ होता है चूतिया, तो उन्हें भी लगता है कुछ होने से ना होना बेटर है। अच्छा यार मैं ना स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ, और यही सवाल मैं डेली मुझसे पूछता हूँ कि यार मैं स्पोर्ट्स प्लेयर, आप क्या सोचते हो यार, आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आप फिट हो जाओगे। मुझे 4 साल हो गए स्पोर्ट्स में, मैं 4 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही हूँ, और मुझे लगा कुछ बेनिफिट मिलेगा मुझे यार, कुछ फायदा होगा इसका, बेनिफिट के नाम पे सिर्फ मेरी हड्डियां टूटी और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा डांस किस किस को पसंद है, डांस गिवमी चीयर, डांस किस किस को पसंद है? आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग। तो मैं कॉलेज के कल्चर फेस्ट में गया पार्ट लेने, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और प्रैक्टिस भी नहीं कराई। फेस्ट वाले दिन काली माता बना दिया मुझे, और उसके बाद मुझे बोल रहे तूने बहुत अच्छा डांस किया, तूने बहुत अच्छा डांस किया। आई एम लाइक डांस किया कहां मैंने यार, 5 मिनट तक खड़े रहने को डांस नहीं बोलते यार, 5 मिनट तक ऐसे खड़ा था मैं, थूक गिर रहा था फ्लोर पे, बाद में स्टाफ बोलता कुत्ता काम हो गया यहाँ पे। अच्छा यार एक बहुत सीरियस बात, बहुत सीरियस बात जो मुझे बड़े होने के बाद पता चली, बहुत सीरियस बात कि मैं बचपन से काला हूँ। लाइक मेरी दादी मुझे बचपन में बोला करती थी कि बेटा तू बचपन में बहुत काला था, अरे अच्छा वो तो एक दिन तुझे सरसों का तेल लाके छत पे छोड़ दिया इसलिए तू काला हो गया। अरे ये क्या लॉजिक हुआ, ऐसे तो आपके बाल भी सफेद है, सरसों का तेल लगाओ छत पे चढ़ जाओ। और क्या होता है कि स्कूल में ना आपको अलग अलग नामों से चढ़ाते, कोई काला बोलता है, कोई कुछ, कोई वेस्ट इंडीज, कोई कुछ भी नाम से। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए गाना बना दिया कि तू सी सफेदी तेरे दांतों से आई, अंधेरा कमरा भी रोशन हो जाए। एक टाइम को तो मैं सोच रहा हूँ सर इंसान पैदा हो गया, ट्यूबलाइट पैदा हो गया। सर मैं इस सबसे बहुत परेशान हो गया, तो मैं सोचने लग गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, यार मैं काला क्यों, क्योंकि मुझे छोड़ के मेरे घर में सब गोरे हैं, इसलिए मुझे इसने पैदा किया है कि घर की नजर ना लग जाए। सर मैं सोचने लग गया, तो मेरे पापा मेरे पास आए, पूछे बेटा क्या हो गया? मेरे पापा कुछ भी नहीं। बेटा बताओ क्या हो गया? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही। बोले बेटा बताओ तुम्हारे दोस्त जैसा। अच्छा दोस्त, ए यार गोपाल उस रात को है ना तूने केसर हल्दी वाला दूध पी लिया था ना, तो मैं आज काला पैदा नहीं होता। सो अभी है ना रिसेंटली है ना मैं दिल्ली के एक फंक्शन में गया, तो वहां पे एक लड़की भैया भैया बोले जा रही मुझे। मैं सोच रहा दिल्ली में भैया बोलती कौन है, और दूसरी बात मेरा बाप कभी दिल्ली गया नहीं। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल माय साइड।